गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस आज है 31st of December, ठीक है, कल आ जाएगा नया साल। तो अभी हम निकल रहे हैं ऑकलैंड के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें एक छोटी सी पार्टी अटेंड करनी है और वहीं पे हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान है आज का, है ना। हाँ। तो अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, वैसे हम निकल ही रहे हैं, बट ये हमारा रेडी हो गया, घर से निकलने लगे। हाँ, पार्टी के लिए रेडी नहीं है, नहीं वो थोड़ा वहां जाके, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है। अगर हाँ। अभी रेडी हो जाएंगे तो यार सच बोलूं, हाँ धूप बहुत ज्यादा, आज अनकंफर्टेबल सा फील होगा मुझे स्पेशली पूरे रास्ते। तो हमने सोचा कि हम वहीं पे जाके रेडी होंगे। अभी हम लोग नॉर्मल कपड़ों में, लोअर वगैरह में कंफर्टेबल से होके निकल रहे हैं। तो भाई अभी जल्दी से निकलते हैं, आई डोंट नो कितना ट्रैफिक होने वाला है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट है वोज एंटरटेनमेंट, वहां हमने जाना है। राइट, आज होगी हमारी पार्टी वहाँ पर। फर्स्ट न्यू ईयर है न्यूजीलैंड में तो yes. और अच्छी बात है कि हम लोग अच्छी जगह पे ही जा रहे हैं, तो यार फन तो होना चाहिए, है ना। yeah. और बहुत जल्दी आ गया, मेरा था कि हाँ नेक्स्ट ईयर में हमेशा गौरी को बोलता था, फाइनली द डे इज हियर। जब न्यू ईयर यहाँ पे, ऋषि मुझे कहते थे कि नेक्स्ट ईयर आपके साथ यही सेलिब्रेट करेंगे। हाँ. नेक्स्ट ईयर एंड फाइनली दिस इज द ईयर जब हम अपना न्यू ईयर इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी न्यूजीलैंड में। राइट, और सच बोलूं मैं जल्दी क्यों निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे क्रेविंग हो रही है, पिछले 7-8 महीने से मैंने खाए नहीं, और इसलिए मेरा निकलते, हमें भूख लग गई, अभी आधा घंटा हुआ है हमें निकले हुए और 3-3.5 घंटे और लगने वाले हैं हमें ऑकलैंड पहुंचने में। तो हमने रास्ते में डिसाइड किया क्यों ना पिज़्ज़ा खाया जाए, पिज़्ज़ा यहाँ के बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। तो मैंने और गौरी ने यहाँ पे सेट ए पनीर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया स्मॉल साइज़ में, ताकि हम वहाँ पे गोलगप्पे भी खा पाएँ। तो अभी गौरी अंदर गई है, थोड़ी देर में वो बाहर आ रही है। देयर शी इज़ ब्रिंगिंग अ पिज़्ज़ा, भूल गई। उड़ गए। ओके, टिश्यू पेपर्स भूल गई। हे, उड़ी। हवा इतनी चल रही थी, मेरे सारे टिश्यू उड़ने लगे थे, बच गई मैं। चलो टेस्ट करके बताओ कैसा है। पिज़्ज़ा गरम, बहुत गरम है। कैसा है? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मस्त है ना, बहुत स्वाद यार इनका पिज्जा ना, डोमिनोज पिज्जा हट से बहुत बेटर होते yes, हैं, बहुत बेटर है। यार यहाँ का मौसम ना इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना, मैं जब हम घर से चले थे इतनी तेज धूप थी एंड सडनली अभी बारिश शुरू हो गई है, बहुत हल्का हल्का ड्रिजल है, हालांकि धूप उतनी है आप देख रहे हो पीछे, पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, है ना। कभी बहुत तिखी धूप आती है, बड़ी गर्मी हो जाती है, कभी इतने क्लाउड आते हैं एकदम ठंडा हो जाता है। गौरी बात लाइक कि एसी नहीं ऑन किया हुआ क्या? मैं कहा एसी फुल है, बट द थिंग इज इतनी तेज धूप थी, हीट बहुत ज्यादा थी, बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ का 23 और 24 टेम्परेचर है अभी, विच इज इक्वलेंट टू इंडिया के आई थिंक 38 के पास, आप देख। बातें करते करते हम आपसे बात कर रहे थे, कितना क्लाउडी सा हो गया अभी और इतनी तेज धूप थी अभी। बारिश भी तेज हो रही है हल्की हल्की, शायद इतनी विजिबल ना हो बिकॉज वो अभी यहाँ पे विंडशील्ड पे गिर रही है, तो वहाँ से पता चल रहा है कि यस ड्रिजल हो रहा है। नियरली हम ऑकलैंड पहुँच गए, थोड़ा सा ही रहेगा, 40 किलोमीटर रह गए बस। हाँ, पर ऋषि ज्यादा एक्साइटेड है, बस मैं जाऊँ पहले खाऊं गोलगप्पे। अभी हम सेंड्रिंगम पहुंच चुके हैं, ठीक है, सेंड्रिंगम। तो भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं सेंड्रिंगम, अभी हम खाने जा रहे हैं गोलगप्पा, ठीक है, बहुत सारे गोलगप्पा खाने वाला हूं मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैंने खा जाने हैं, मैंने सारे खा जाने हैं, कान खाली कर देनी है। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। तो गाइज अपनी प्लेट्स आ चुकी हैं, गौरी के आए हैं 6 गोलगप्पा और मेरे ये प्लेट भर के एटलीस्ट 20 तो होंगे इसमें। तो चलो आप जल्दी से शुरू करते हैं। ऋषि की तो स्पीड ही बड़ी है, इतनी जल्दी हाफ प्लेट खत्म भी कर दी, चलो देखते हैं ऋषि कितने खा पाते हैं। उप्स, तब से ढंग से खा रहे थे जब अभी मैंने कैमरा ऑन किया और मुंह से गिरना शुरू हो गया इनके। ये फर्स्ट प्लेट तो पूरी खत्म होने वाली है एंड हियर द सेकंड प्लेट इज। आर यू एक्साइटेड? हियर कम्स द थर्ड प्लेट। देखो मेरा शेर चौथी प्लेट खा पाता है कि नहीं। ऋषि
तो भाई गोलगप्पा तो खा लिए, गौरी ने सिर्फ 6 पीस खाए और मैंने 3 प्लेट्स भर के ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 60-70 गोलगप्पा रहे होंगे। बस मैं हूँ ना, मैं सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, मैं फुल हूँ पूरी तरह से। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। मैं एक बात बोल दूँ, पहले के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट्स लाइक $10 मोर। पहले ही $18 थे, आज हमने $28 लगा दिया उसी चीज़ पे, ठीक है। बट हाँ यार, चलो कोई बात नहीं, वर्थ इट है। इतने टाइम के बाद आना, मैंने कौन सा डेली खाने हैं। हाँ, टेस्ट वाइज गुड है और साथ में ये अनलिमिटेड है। मैंने 60-70 खाए हैं, मैंने $9 में खाए 6। हाँ, तो भाई अभी यहाँ का सीन डन है, अभी हम निकल रहे हैं। अभी पहले करते हैं कपड़े चेंज, क्योंकि शाम होने को आई है। We need to get ready for the party. हाँ, थोड़ी देर में पार्टी तैयार हो रही है, सॉरी स्टार्ट हो रही है, तैयार हो रही है, हम तैयार हो रहे हैं, पार्टी स्टार्ट हो रही है। हाँ. 2 hours later. Guys, now we are ready. And finally we are leaving for the location. Location बहुत अच्छी है, गौरी ने मुझे बताया। थोड़ी बहुत हमने फोटोज भी देखी तो अच्छी है। और सच बोलो हम थोड़े से लेट हो चुके हैं, 10 हमें अभी से बच चुके हैं, तो ट्रैफिक थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जल्दी से लीव करते हैं यार। यहाँ से वैसे ज्यादा नहीं, कोई 15-20 मिनट की ड्राइव बता रहे हैं। And we hope कि हम टाइम पे पहुंच जाएं। Right. यहाँ पर ना स्ट्रीट्स बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, बहुत सुंदर लग रही है। वो रहा सामने स्काई टावर, कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल सा। और ये पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें ना पार्किंग ढूंढने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई। 15 मिनट का रास्ता, बट अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है, तो नियरली 45 मिनट हमें पार्किंग। एक टाइम पे हमने ये सोच लिया था कि शायद हमें वापस जाना पड़ेगा, हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पेड पार्किंग भी बहुत दूर थी यहाँ से, पास में नहीं है पार्किंग, मतलब इतनी प्रॉब्लम आती है पार्किंग। मैं अभी आपको दिखाऊं तो यार, इवन फुटपाथ तक पे लोग गाड़ियां पार्क करके गए हैं। हमें बहुत लकी थे, हम लोगों ने यहाँ से शायद पांचवी बार आए, हमें हम जल्दी से चलते हैं। राइट, चलो चलो चलो, अब बिग रिलीफ नाउ, कार पार्किंग हो गई, लेट्स गो टू द पार्टी नाउ। तो भाई यार, स्काई टावर तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जल्दी से करते हैं अंदर एंट्री और आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो भाई अभी हम आ चुके हैं टेरेस पे, जहाँ पे सामने दिख रहा है एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा स्काई टावर का, जहाँ पे रात को 12 बजे से स्टार्ट होंगे फायरवर्क्स। सो ये है हमारी आज की पार्टी के होस्ट, जिन्होंने हमें पार्टी पे इनवाइट किया है। हर नेम इज लवली चौहान एंड हियर शी इज। यस, और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, मैं इससे नियरली 5 साल के बाद मिली हूँ एंड आई वॉज रियली रियली हैप्पी टू मीट हर। यार मैं बैठा हुआ यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि यहाँ मुझे खुद की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और इतने लाउड म्यूजिक में ये पिछले 10 मिनट से बातें कर क्या रही हैं, और कैसे कर रही हैं यार। तो गाइस फाइनली द टाइम इज हियर, जस्ट लुक एट द एक्साइटमेंट ऑफ द क्राउड। सिर्फ 20 सेकंड रह गए हैं, थोड़ी देर में काउंटडाउन बिगिन हो रहा है, हम सब स्काई टावर की तरफ देख रहे हैं। I'm not going to be able to do it.
Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. गाइस फाइनली पार्टी खत्म हो चुकी है। हाँ, मेरे हाथ में गौरी के सैंडल्स हैं, ठीक है। ये पीछे छुपी हुई है, इतनी अब चला नहीं जा रहा है इसमें, तो थक गई हूं मैं। हाँ, थक गई है। अभी रात का हो रहा है, नियरली 1:30 बज रहा है, ठीक है। पार्टी वॉज गुड, गौरी एंजॉयड अ लॉट, है ना। गौरी का फर्स्ट ईयर था जब ये गौरी का फर्स्ट टाइम था जब न्यूजीलैंड में, और इट वाज अ फन। हाँ, बहुत अच्छा था। शी वाज लाइक, मैं सच बोलूं, जब से हम चले थे शी वाज लाइक स्काई टावर देखने। मैंने कहा भाई तेरे को वहां से दिख जाएगा, यहाँ आसपास ही सारी बॉलीवुड पार्टीज होती है। और न्यूजीलैंड में स्काई टावर इज काइंड ऑफ अ बुर्ज खलीफा। हाँ, कैसीनो होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे। Yes. तो यू कैन से हर एंड से दिखेगा आपको न्यूजीलैंड के, है ना, ऑकलैंड के, मतलब ऑकलैंड में हर एंड से दिखेगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल, उसका फायरवर्क्स सबसे सुंदर लगा मुझे। बहुत ही प्यारा था। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं सच बोलूं, व्लॉग हम लोग अंदर ही करना चाहते थे, आउटरो वगैरह, बट अगर आप लोग अभी भी बैकग्राउंड में सुन सकते हो तो म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है। हाँ, तो यहाँ पे आसपास हम कहीं पे भी जाएं बहुत लाउड म्यूजिक है, तो इसलिए हम बाहर आगे कर रहे हैं। व्लॉग एंड करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल यू गाइस, एंड इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड और इस साल का भी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ईयर विद न्यू वीडियोस। टिल देन कीप वाचिंग एंड लव यू गाइस, बाय बाय। लव यू। वन थिंग आई वांट टू ऐड ऑन, यू वर सेइंग दैट रेगुलरली व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, डोंट वरी, नाउ यू विल बी गेटिंग रेगुलर। हां, रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं, और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। जैसे हम यहां आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपडेट जल्दी आती है, व्लॉग्स आने में टाइम लग जाता है यार थोड़ा। वो यार एडिटिंग वगैरह में आपको आपको अगले साल। Till then, take care and bye-bye. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes.